आइस्टिक पीको, अलग ही कशिश है। 75 वॉट। ये है मनीष भैया, दिल्ली के सबसे फेमस वेप सेलर, एंड इसका अंदाजा आप उनके कमेंट सेक्शन से लगा सकते हो। द वेप सेलर इज रियली ओपी पर्सन, लव यू ब्रो, ही इज रियल एमवीपी। द सेलर इज टू गुड एंड लवेबल पर्सन। बट जिस प्रोडक्ट ने मनीष भैया को हीरो बनाया है, उसी प्रोडक्ट ने काफी लोगों को जीरो बनाया है। दे हैव बीन 7 डेथ्स रिपोर्टेड डायरेक्टली लिंक्ड टू ई-सिगरेट्स। मैं बात कर रहा हूँ वेपिंग की, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने इंडियन मार्केट को इतनी जल्दी कैप्चर किया है जितनी जल्दी उर्फी जावेद न्यूज में आती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने पनवाड़ियों को रातों रात अमीर बना दिया है। फिलहाल वेपिंग हमारी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इससे गवर्नमेंट परेशान है, बच्चों के पेरेंट्स परेशान है, इनफैक्ट खुद बच्चे भी परेशान है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि अगर आपने 2-3 बार ट्राई किया तो इसको छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दे कम इन ओवर 150 फ्लेवर्स, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मिंट एंड एनीथिंग एल्स, सो इट्स बिकम वेरी कूल टू ट्राई इट, टू यूज इट। इट इज ओडरलेस। So vaping is not at all safe. Youngsters nowadays are hooked to vaping. I get to hear in my OPDs regularly from kids, from teenagers, from youngsters, from young adults, from their parents that they are going into e-cigarettes and vapings. They are safe? No, they are not. No, they are not. आज इंडिया में 6.5 लाख से भी ज्यादा डेथ सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होती है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में 3 में से 2 बंदे जो टोबैको यूज करते हैं वो इंडियंस ही है। इंडिया में आज स्मोकिंग की वजह से हर 2 मिनट में 3 लोगों की डेथ होती है, एंड वेपिंग ने इस नंबर को बढ़ाया ही है। वेप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में ही बैन कर दिया था, बट बैन के 4 साल बाद भी आपको वेप्स हर पनवाड़ी की दुकान पर या क्लब में बच्चों के हाथ में दिख जाएंगे। ऊपर से वेप्स को लोग स्मोकिंग नहीं मानते, बट एक्चुअली एक स्टाइल स्टेटमेंट मानते हैं। वॉच, बेल्ट, नाइस परफ्यूम एंड एक वेप, एंड आपका क्लबिंग स्टार्टर पैक रेडी हो गया। वेप है, वेप पार्टी के लिए लिया है ब्रो। ए, क्या हो गया भाई? अरे वेप मारना कूल है ब्रो। वेप एक्चुअली एक डिवाइस होता है जो पेन या फिर यूएसबी की तरह दिखता है। आपको बस एक बटन दबाना है एंड उसमें एक हीटिंग कॉइल होती है जो हीट हो जाती है, एंड उससे वो लिक्विड को स्मोक में कन्वर्ट कर देती है, एंड फिर आप आराम से उसको यूज करके स्मोक कर सकते हो। वेप का कॉन्सेप्ट 1930 में इन्वेंट हो गया था जब एक बंदे जोसेफ रॉबिन्सन ने इलेक्ट्रिक वेपराइजर का पेटेंट फाइल किया था, बट वो प्रोडक्ट कभी मार्केट में आया ही नहीं। फिर उसके 10 साल बाद एक और बंदे हर्बर्ट गिलबर्ट ने काफी कंपनियों से बात की थी इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, बट किसी भी कंपनी ने उनकी बात सुनी नहीं। फाइनली अर्ली 2000 में चाइना ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया एंड इलेक्ट्रिक सिगरेट्स बनाना शुरू कर दिया, एंड 2015 तक ये अमेरिकन मार्केट में आ चुका था। सिर्फ 2-3 सालों में ही ये प्रोडक्ट अमेरिका में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि हर दूसरे बंदे के हाथ में वेप था। Within 2 years on the market, Juul's popularity skyrocketed. In 2016, the company made up less than 5% of the e-cig market. But by the end of 2017, Juul controlled nearly a third of it and generated $224 million in revenue. I think there was something like a 600% spike in sales, which is crazy. It's an astronomical rise. एंड आपको तो पता ही है, जो चीज अमेरिका में ट्रेंडिंग होती है वो इंडिया में तो आनी है, चाहे वो वेप जैसी डेंजरस चीज ही क्यों ना हो। जैसे कि आप इस इंडियन ब्लॉगर की बात सुन सकते हो जिसने 2016 में वेप के ऊपर वीडियो बनाई थी। Sure, there are a lot of you guys, even after watching the entire video, must be having a lot of doubts in your head about if vaping is safe or not. But trust me, do a little bit of your research on the internet and YouTube, and you'll get to know that vaping is already trending in the UK and USA. A lot of people have already switched from smoking to vaping. Now, just because it's trending in USA and UK, इसका मतलब ये नहीं है कि vape safe होते हैं। In fact, जो लोग 5-6 साल पहले USA में काफी vapes use करते थे, आज या तो उनकी death हो चुकी है, या फिर वो hospitalized है, या फिर उनको कोई long-term disease हो गई है। Seema Herman never expected that what she thought was a harmless habit, vaping, would end up nearly killing her. It took 2 days for my lungs to fail and I almost died. The 18-year-old going viral with this photo from her hospital bed, a tube still pumping oxygen to her failing lungs, in her hands, a call to action. Vapes ke itne zyada famous hone ka reason uski marketing mein hi chupa hai. Vapes ko sabse zyada famous kiya ek American company ne jiska naam tha Juul. Juul ne 2016 mein vapes bechna shuru kiya and sirf ek hi saal mein unki 600% growth ho gayi. I think there was something like a 600% spike in sales, which is crazy. It's an astronomical rise.
The number of devices sold jumped from 2.2 million to 16.2 million within a year. Basically, उन्होंने वेप्स को एक सिगरेट का अल्टरनेटिव बताया कि भाई अगर सिगरेट छोड़नी है तो वेप्स यूज कर लो, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, जो कि एकदम गलत बात है. इनफैक्ट आज तक भी लोगों को लगता है कि वेप्स सेफ है, जबकि वेप्स सिगरेट से भी ज्यादा एडिक्टिव एंड हार्मफुल है. Mark my words. Vaping is not good. It's just like आप एक गड्ढे से उठ के दूसरे बड़े गड्ढे में गिर रहे हो. So you leave smoking, you go to vaping or nicotine vapes is not good. It directly affects your lungs. So your lung health, your heart health, your blood pressures, they go bad. Vapes में जो निकोटिन होता है वो सिगरेट से भी ज्यादा होता है. एंड वेप्स को एज अ फैशन स्टेटमेंट प्रमोट किया गया, जो स्ट्रैटेजी बोट या किंगफिशर जैसी बड़ी ब्रांड्स भी यूज करती है. फॉर एग्जाम्पल, बोट हेडफोन्स की एड में कभी भी उसकी स्पेसिफिकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना उसके डिजाइन या उसकी वाइब पर दिया जाता है. सिमिलरली वेप्स को भी एज अ फैशन स्टेटमेंट ज्यादा प्रमोट किया गया. इनफैक्ट Gen Z influencers का यूज किया गया इस प्रोडक्ट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए. They didn't understand that it was incredibly addictive nicotine. It wasn't the nicotine of the cigarettes of the past. Marketers organized events and hired social media influencers to post themselves juuling. Soon, users began to share their own content on Instagram, Snapchat, and Twitter, where parents weren't looking. अगर आपने एक दो बार भी वेप्स को यूज किया तो आप खुद ही नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि पहले तो उसमें निकोटिन होता है जो कि काफी एडिक्टिव होता है. सेकंड, वेप बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, आराम से पॉकेट में आ जाते हैं, कोई भी लाइटर वगैरह की जरूरत नहीं. एंड एक वेप में 4000 पफ होते हैं एंड सिगरेट की तरह कोई स्मेल भी नहीं आती. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेप्स हजारों फ्लेवर्स में आता है. दे कम इन ओवर 150 फ्लेवर्स, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मिंट एंड एनीथिंग एल्स. सो इट्स बिकम very cool to try it, to use it. अब जो लोग बहुत महीनों या सालों से वेपिंग या स्मोकिंग कर रहे थे, उन सबको ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आ रही हैं. फर्स्ट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम. सेकंड, लो स्टैमिना. थर्ड, इनफर्टिलिटी. फोर्थ, एडिक्शन. फिफ्थ, कार्डियक अरेस्ट. सिक्स्थ, कैंसर. एंड सेवेंथ, मेमोरी वीकनेस. और ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स. एंड द सैड पार्ट इज, वेप सिर्फ 4-5 साल ही पुराना है एंड हमको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो पता ही नहीं अभी तक. Also, trace amounts of heavy metals from the heating elements can be inhaled. Heavy metals are not the sort of thing you want to be inhaling in any amount. It's fair to say that we don't really know the long-term effects that these are going to have on anyone who vapes. Indeed, for any of the components of e-cigarettes. Last में तो यही बोलूँगा that vaping can kill you and इसको अपने daily routine का part मत बनाओ. In fact, अगर आपका कोई दोस्त बहुत ज़्यादा vaping करता है, तो उसके साथ ये video ज़रूर share करना. Okay guys, so that's it for the video. अगर आपको video अच्छी लगी तो do like this video. मेरे को Instagram पर follow करना मत भूलना @RitikMehlawat and do subscribe to my channel for more such video. Okay guys, so that's it for the video. Okay, thank you, bye.